कोरोना वायरस महामारी के सख्त प्रावधानों के बीच आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। बिना जांच किसी को भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। देश में मेडिकल कोर्स के दाखिले के लिए परीक्षा शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुल 15,97,000 छात्रों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो कोरोना के सख्त प्रावधानों के बीच ये परीक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक और जो सेंटर है वहां पर पूरी तैयारी की गई है। बिना टेस्ट के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। कोविड-19 के गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो किया जाएगा और इसके बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे। तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया गया है। आज कोरोना के सख्त गाइडलाइंस भी का पालन किया जाएगा और उसके बाद ही एंट्री मिल पाएगी स्टूडेंट्स को। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए परीक्षार्थियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, चूंकि लंबा वक्त भी लगेगा इस प्रोसीजर में। 2 बजे से परीक्षा है, टेस्ट भी कराना है और फिर उसके बाद तमाम इंतजाम भी देखे जाने और तभी परीक्षार्थी सेंटर में जा सकेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पाएंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए आरती, अब 11 बज गया है और रांची के गुरु नानक स्कूल में जो है परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं सभी परीक्षार्थियों के हाथ में चेहरे पे मास्क है और ये पानी लेकर जाना है और एडमिट कार्ड, बाकी सभी चीजें जो है अंदर दी जाएंगी। ये कई विद्यार्थी जो हैं हाथों में ग्लव्स भी पहने हैं, तो एक पूरे जो गाइडलाइंस जो दिए गए हैं उसके अनुसार तमाम परीक्षार्थियों की एंट्री हो रही है। और सबसे पहले जो है वहाँ चेकिंग हो रही है, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं जो हैंड वॉश करना है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो पूरे नियम के अनुसार जो है विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को परीक्षा के स्कूल के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जो सामाजिक दूरी की जो बात है वो तमाम चीजें फॉलो हो रही हैं, क्योंकि उल्लंघन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का संक्रमण का काल है ऐसे समय में ये हम जरूर कह सकते हैं कि स्कूल को भी अलग से तैयारी करनी पड़ी है। और ये आप देख सकते हैं जी, एक बच्चा जो जूता पहनकर आया था उसे एंट्री नहीं दी गई है, क्योंकि सख्त निर्देश है कि जूता पहनना मना है और हवाई चप्पल हो, सैंडल हो, ये तमाम चीजें अलाउड हैं। घड़ी अलाउ नहीं है, हाथ में किसी भी तरह का कंगन अलाउ नहीं है, कानों में किसी भी तरह का कोई गहना नहीं पहनना है, कोई लॉकेट गले में नहीं पहनना है। ये तमाम चीजों को लेकर ये आप देख सकते हैं कि एडमिट का ये देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा जो केंद्र है वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो एक कड़े नियम बनाए गए हैं और ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी समय से पहले पहुँचे हैं धीरे धीरे कर परीक्षा सेंटर के अंदर जा रहे हैं। और सबसे खास ये है आरती कि एक क्लासरूम में 12 परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं कड़ाई से पालन किए जा रहे हैं और इसका पालन पूरी निष्ठा के साथ हो रही है। रांची के 25 सेंटर में हो रही है और सेंटर के बाहर भी किसी को रहने की इजाजत नहीं है। लगभग 50 मीटर की दूरी तक जो है किसी को अलाउ नहीं है। तो जो अभिभावक इधर आए हैं उन्हें धीरे धीरे करके आगे भेजा जा रहा है कि आप इस एरिया से आगे निकल जाएं। तो ये देख सकते हैं जो परीक्षार्थी अभी पहुंचे हैं, ऐसे वक्त लगभग 1:30 बजे तक का वक्त है और 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। खुद यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो खुद इन चीज़ों को देख कर यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर क्या क्या देख रहे हैं सर?
सर ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सब करे, पेरेंट्स भी करे, ये सबसे जरूरी है और प्रायोरिटी बहुत है इन लोगों के, सब सैनिटाइज हाथ में करके चले, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे यहाँ पर, वो आप देख ही रहे हैं, और बच्चों को कोई सुविधा ना असुविधा ना हो, बच्चे टाइम से एग्जाम जाके दें और निर्भय होके एग्जामिनेशन दें। आप देख सकते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मनोहर लाल थे, वो खुद बाहर निकलकर तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हो रही है, और परीक्षार्थियों को अलग अलग वक्त दिया गया है। आरती ये देखिए एक परीक्षार्थी अब धीरे धीरे करके अंदर जा रही है, और तमाम जो चीजें हैं एडमिट कार्ड, पानी और इसके अलावा और कोई भी चीज अलाउ नहीं किया गया है, यहाँ तक कि पेन भी लेकर नहीं जाना है, पेन अंदर में दिया जाएगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण है, और ऐसे समय में ये तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा है जो आयोजित की गई है। रांची के साथ साथ पूरे भारत के सभी राजधानियों में ये परीक्षाएं हो रही हैं, तो एक बड़ी परीक्षा है, और इस परीक्षा को लेकर जहां अभिभावक भी परेशान हैं, तो वैसे में जरूर कह सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं उन्हें पढ़ने का वक्त बहुत मिला है, क्योंकि ये परीक्षा मई के महीने में होती है, लेकिन कोरोना के काल में ये परीक्षाएं विलंब से हो रही हैं, और ऐसे में जो परीक्षार्थी बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो वैसे में वो जरूर कम्पीट करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम जो है सहज नहीं होता है, जितनी आप पढ़ेंगे जितना मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, तो एक एक करके देख सकते हैं। चलिए अब इंतजाम पूरे हो गए और अब परीक्षार्थी भी उन्हें भी एंट्री दी जा रही है चेकिंग के बाद, और जो कोविड 19 को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका पालन सख्ती से यहां पर किया जा रहा है। शुक्रिया अंजनी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।